हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 5 के बारे में। इससे पहले आए सेशंस में हमने न्यूमरोलॉजी नंबर 1, न्यूमरोलॉजी नंबर 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि न्यूमरोलॉजी नंबर 1 होता है सन के लिए, 2 होता है मून के लिए, 3 होता है जुपिटर के लिए, 4 होता है राहू के लिए। ट्रेड्स डिस्कस किए थे हमने इसके, और आगे बता दूँ तो कॉम्बिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। और अब आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 5 की। जिस तरीके से सारे नंबर किसी न किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड थे, सेम उसी तरीके से नंबर 5 रिलेशन रखता है मरकरी के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट होता है हमारे फिनेंस का, बुद्धि का, आपके स्पीच का, आपके अगर आप कहें तो प्रिंस कह सकते हैं मरकरी को, तो इन सब चीज़ों का कारक होता है। अगर आपका फिर से अगर मैं रिवाइज कराऊँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि 5 सबके उसमें आता नहीं है। सिर्फ 5 आएगा आपकी कुंडली में, ऐसा है नहीं। डेट ऑफ बर्थ में 5 के कॉम्बिनेशन आएंगे, 9 के साथ भी, 8 के साथ भी, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से 5 आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा जब वो कॉम्बिनेशन में आएगा 9 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, इनके सबके कॉम्बिनेशन। तो उससे पहले हमें 1, 2, 3, 4 को जानना ज़रूरी है, सारे नंबर्स को जानना ज़रूरी है। तो आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें पहले। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5 के साथ। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है, वोकल स्पीच को दिखाता है, ये हमारे आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव माइंड को दिखाता है, मनी मैटर्स को दिखाता है, फिनेंस दिखाता है। शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल, मेजर रोल रहता है नंबर 5 का। ट्रेडिंग में नंबर 5 का बहुत मेजर रोल रहता है। तो इस तरीके से नंबर 5 जो कि मरकरी का कारक है, जो कि मरकरी की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो नंबर 5 वाले जातक के अंदर होंगी। जैसा कि मैंने अपने सेशन में बताया था, न्यूमरोलॉजी नंबर 1, न्यूमरोलॉजी नंबर 2, न्यूमरोलॉजी नंबर 3, इनमें अगर ये दो बार रिपीट हो रहे हैं तो नेगेटिव होंगे, अगर सिंगल टाइम आ रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव हैं। उसी तरीके से 4 को छोड़ के अभी तक जो हमने देखे हैं सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अगर 1 को छोड़, 1 अगर हम कहें कि अगर डेस्टिनी नंबर 1 बन जाता है और बाकी मल्टीपल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और फेम नेम दिखाता है। उसके अलावा 2 और 3 की अगर हमने बात करें कि अगर वो 2 बार आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देने शुरू कर देते हैं। 4 2 बार आए तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। उसी तरीके से अगर न्यूमरोलॉजी नंबर 5 में 5 2 बार आ गया तो वो नेगेटिव माना जाएगा, अदरवाइज़ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मैं किस आस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये हम देखते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा कंज्यूज होंगे। पैसा इनके लिए मेन फोकस होगा, पैसा मतलब किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे वो। मे बी कभी कभी होता है कि उस चीज़ों में ये गलत चले जाते हैं, काफ़ी मनी माइंडेड होंगे हर जगह से, ये बिना पैसे के तो कुछ करेंगे नहीं, तो इस तरीके से रहता है। तो अगर आपका बेसिक नंबर जो कि आप डेट को अपनी प्लस करेंगे उसके अगर आपका जो नंबर अगर निकल के आता है वो आता है 5, तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर है 5। बेसिक नंबर जो कि एक्टिवेट होता है आपकी शादी से पहले। अगर आप चेक कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी तो आप देख लीजिए, अगर शादी, अगर आप मैरिड हैं तो आप डेस्टिनी नंबर को चेक कीजिए, अगर नहीं है तो बेसिक नंबर को चेक कीजिए। डेस्टिनी नंबर हम इन सभी नंबर्स का सम करेंगे तो हमें डेस्टिनी नंबर मिलेगा, खाली डेट का सम करेंगे तो हमें बेसिक नंबर मिलेगा। अब इस तरीके से देख लीजिए, जैसे हमने 5 और 0 को सम किया तो 5 मिला। इसी तरीके से अगर आपका इन दो चीज़ों को सम करके आपका नंबर 5 आ रहा है तो अगर आप जैसे सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, 2 और 3 5, तो आपका बेसिक नंबर 5 हो जाएगा। इन सब को सम करेंगे अगर आपको जो नंबर आ रहा है उसका नंबर होगा वो होगा आपका डेस्टिनी नंबर। 5 नंबर के कॉम्बिनेशन बहुत अलग होंगे, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा तो आप जानते हैं कि आपको पैसा कैसे कमाना है। ये बहुत ज़्यादा जो ये जातक होते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। इन्हें पैसा कमाने की स्किल इनके अंदर गजब की होती है, इंटेलिजेंस होते हैं, एकदम सडन रिस्पांस देते हैं, आंसर देते हैं, बहुत कैलकुलेटिव माइंड होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं और ये कब कैलकुलेट करके आपको ये कर देंगे, मतलब आपसे पैसा निकलवा लेंगे। खतरनाक मार्केटिंग स्किल्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, आपको कभी भी कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये नंबर आपका ये होता है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इनसे कुछ कभी भी डील कर रहे हैं पैसे के टर्म्स में तो पहले इनसे पैसा रखवा लीजिए, क्योंकि आपसे आर्ग्यू बहुत करने वाले हैं पैसे के टर्म्स में, तो ये रहेगा। लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन 9 के साथ 1 के साथ बनना ज़रूरी है, अगर 1 और 9 बनता है तो हाँ इनको पैसा कमाने की स्किल है, बिजनेस स्किल इनके अंदर अच्छे हो जाते हैं। 1 के साथ आ गया तो मैनेजमेंट स्किल अच्छे हो जाते हैं। अगर लेकिन ये 5 5 5 5 5 आ गया सिंगल, मतलब 1 और अगर मैं अभी कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा, सिंपल अगर 1 नहीं आया तो ये होता है कि थोड़ा सा ही फ्रॉड होने के चांसेस इनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। ये फ्रॉड करते हैं और ये फ्रॉड केसेस में फंसते भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इनके साथ एक नेगेटिव चीज़ रहती है। डीप थिंकर्स होते हैं,
काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड होते हैं। अगर ज़्यादा अगर 5 2 या 3 बार आ गया तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उसके कारण इनको एंगजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्बिनेशंस अगर हम देखेंगे 9 और 5, 5 4, और अगर हम कहें तो 1 5 का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, 6 7 5 देखेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे 5 क्या क्या रोल प्ले करेगा। तो वो हम इस सेशन को जब हम सारे नंबर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है तो प्लीज़ आप अपना कॉमेंट कीजिए कि क्या ये ट्रेड सही है, अगर आपके उसमें कुछ और आपके उसमें लग रहा है, क्योंकि अभी आप एग्जैक्टली जज नहीं कर पाएंगे ऑल दो, बट फिर भी कुछ तो ट्रेड्स आपके अंदर होंगे ही होंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन में हम करते हैं, लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, बट बेटर रहेगा कि आप लाइव सेशंस में, हमने इसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कंबाइन करके मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो उसमें आप कमेंट करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।